CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम साथ है तो संभव है। ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा, क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है? हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है? हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए। मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं, लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं। हाँ। सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई। उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा, साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है। उसी विषय पर? अरे किस विषय पर? उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था। उफ़ो, फिर वही बात? अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है। हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है? साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है। ओहो, ध्यान से देखो। अरे देख तो रहे हैं। वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुँच गई है। हाँ, बहुत जल्द ये लता अब दूसरी डालियों तक भी पहुंच जाएगी। अरे तो इससे क्या होगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी? मुसीबत आएगी साथियों, मुसीबत आएगी। भला कैसी मुसीबत? हाँ, कैसी मुसीबत? हाँ। साथियों, अभी तक ये पेड़ हमारे लिए बहुत सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि कोई इस पर आसानी से चढ़ नहीं सकता। सही कहा। क्या बात करते हैं आप, ये संभव नहीं है। ये लता इतनी कोमल है कि किसी का भार उठा ही नहीं सकती। ठीक कहा तुमने, ये लता आज कोमल है इसलिए कमजोर है,
लेकिन धीरे धीरे यही लता जब मजबूत हो जाएगी तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब कोई शिकारी इस लता की मदद से इस पेड़ पर चढ़ जाएगा। अरे ऐसा कोई दो चार दिन में थोड़ी हो जाएगा, अभी तो ऐसा होने में महीने लगेंगे। बिल्कुल, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अभी से इस पर सर खपाने की क्या जरूरत है, क्यों भाइयों? हाँ ठीक कहा। हाँ साथियों, मेरे विचार से अभी सबसे सही समय है। जब तक ये कोमल है हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। अरे बेकार की बातें करते, बाद में मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास एक सुझाव है। कैसा सुझाव? अरे क्या सुझाव है बताइए जरा। जंगल के दक्षिणी भाग में हमारे कुछ चूहे मित्र रहते हैं, क्यों ना उनसे कहा जाए कि वे इस लता की जड़ को कुतर डालें? अरे ठीक है, समय आएगा तो वो भी कह देंगे। बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी। और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं। ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे। बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया। जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे वे सब के सब उस जाल में फंस गए। अरे कोई है, हमारी सहायता करो। अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई। अरे ये क्या हो गया? फंस गए भाई, हम सब जाल में फंस गए। अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था। कैसे फंस गए हम? अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो? वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी। काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं। भला इससे क्या होगा? कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। हाँ ये ठीक है, उड़ जाएंगे हम सब। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या, बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा, अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया हो, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूं, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूं। तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया।
अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था। जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया। साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी साथ है तो संभव है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथ है तो संभव है। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, शमाइला परवेज, सुषमा शर्मा और हरप्रीत कौर, परामर्श विमलेश चौधरी, ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहायक अमित कुमार और कुसुम लता, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800440559। आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।